हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने मॉर्निंग से लेके दोपहर के रूटीन। वैसे व्लॉग बनाने के लिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, अराउंड 4:30, वरना तो 5 बजे तक अलार्म के साथ ही उठती हूँ। लेकिन दिन कैमरे को यहाँ वहाँ एडजस्ट करते हुए व्लॉग बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। प्लस आज मैंने अपने घर लंच के लिए कुछ मेहमानों को इन्वाइट किया है, तो सोचा कि उनके आने से पहले अपने सारे काम कर लूँ। फिलहाल मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और यहाँ मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ आलू और हरे मटर के पराठे। वैसे आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है, तो सोचा कि पराठों की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। सो पराठों की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें गर्म तेल में 1 टीस्पून जीरा का तड़का लगाना है। जीरा के लाल होते ही तड़के में अराउंड 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर उन्हें धीमी आंच पर हल्का लाल होने तक भूने। और जैसे ही लहसुन हल्का भून जाए, तड़के में हमें थोड़ा सा हींग डालकर आलू और मटर को भी तड़के में ऐड करना है। सो पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंडो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ आलू और अराउंडो का फ्रोजन मटर लिया है। अब बस इन्हें तड़के में अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और मीनवाइल जब तक हमारे आलू और मटर कुक हो रहे हैं, पराठे बनाने के लिए यहाँ मैं आटा गूंथकर तैयार कर रही हूँ। साथ ही पराठों में एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए आटा गूंदने से पहले मैंने आटे में थोड़ा सा नमक, कसूरी मेथी और अजवाइन ऐड कर पराठे बनाने के लिए नरम आटा गूंथकर तैयार कर लिया। अब बस गूंथे हुए आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक साइड में रख देना है। वैसे आटा गूंथते समय 2 से 3 बार मैंने सब्जी को अच्छी तरह मिला लिया था, ताकि सब्जी कहीं कम या ज़्यादा ना पक जाए। तो सब्जी अराउंड 10 मिनट तक कुक हो चुकी है। अब इसमें हमें मसाले ऐड करना है। तो मसालों में यहाँ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, अराउंड 1 टीस्पून गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह सब्जी में मिला लिया। साथ ही सब्जी में मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। वैसे मसालों के साथ धनिया पाउडर डालना मैं पहले भूल गई थी, इसलिए बाद में ऐड किया। अब इन सारे मसालों को सब्जी में अच्छी तरह मिलाकर सब्जी को 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। और जब आपको लगे कि आलू और मटर पक गए हैं, स्टोव बंद कर सब्जी में हरा धनिया ऐड कर लेना। तो पराठों के स्टफिंग के लिए सब्जी बनकर तैयार है। अब बस हमें आलू और मटर को थोड़ा सा मैश कर लेना है, ताकि पराठों में हम अपनी सब्जी की स्टफिंग आसानी से कर लें। वैसे सब्जी को मैश करते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं स्टफिंग के लिए आपकी सब्जी गीली ना हो जाए, लेकिन सब्जी में हमने जो मटर ऐड किया है, उनकी वजह से आपकी सब्जी ठंडी होने पर थोड़ी ड्राई होती जाएगी, जिससे आपके पराठे बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो स्टफिंग को एक साइड में ठंडा होने के लिए रखकर फिलहाल मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। एंड देन बच्चों को रेडी कर मैं उनके लंच के लिए बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। अगर आप चाहते हो कि आपके बनाए हुए पराठे सेकते समय फूले, तो जब भी आप पराठे बेलने के लिए आटे की लोई ले, उस लोई पर बिना सूखा आटा लगाए हुए पहले वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको अपनी स्टफिंग फिल करना है। एंड देन उसी आटे की लोई से स्टफिंग को पूरी तरह से कवर कर, देन उस लोई पर सूखा आटा लगाकर जब आप हल्के हाथों से पराठे बेलोगे, तो वो पराठा सेकते समय जरूर फूलेगा। बस लोई में स्टफिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टफिंग आटे की लोई से अच्छी तरह कवर हो, और पराठे बेलते समय आपका पराठा कहीं से फटना नहीं चाहिए। देन जब आप इस तरह के हल्के हाथों से बेले हुए पराठों को दोनों ओर गोल्डन ब्राउन चित्ते आने तक सेकोगे, तब आपके बनाए हुए पराठे जरूर फूलेंगे। वैसे आलू और मटर की स्टफिंग मैंने थोड़ी ज्यादा बनाई थी, सो लंच में इनसे बने पराठे मैं अपने मेहमानों को भी खिला सकूं। तो जो भी स्टफिंग बच गई है, उन्हें मैंने एक बॉक्स में भरकर बाहर किचन के काउंटर पर रख दिया, और साथ ही बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी है। सो आज बच्चे लंच में आलू और हरे मटर के पराठों के साथ कुछ फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं। साथ ही मैंने कुछ उनके फेवरेट स्नैक्स भी लंच बॉक्स में पैक कर दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर मैं घर के कामों में लग गई। वैसे हर दिन मैं अपने घर का कोई ना कोई हिस्सा क्लीन करते रहती हूँ, सो घर इतना गंदा नहीं होता। लेकिन फिर घर में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें आपको रोज करना होता है। तो बस किचन वगैरह क्लीन कर जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, उन्हें उनकी जगह पे रख फिलहाल मैं कर रही हूँ अपना बेडरूम क्लीन। और फिर आज की लॉन्ड्री कर मैं लग जाऊंगी अपने लंच की तैयारियों में। वैसे अपने बाथरूम में मैंने एक लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है, सो पूरे दिन जितने भी कपड़े गंदे होते हैं
वो सारे कपड़े जमा होते हैं इस बैग में। देन अपने हिसाब से इन कपड़ों को सेपरेट कर मैं इन बास्केट्स में रखती हूँ ताकि मेरे वीकली स्केड्यूल के हिसाब से मेरी लॉन्ड्री हो जाए। सो लंच में आज मैं बना रही हूँ सामक के चावल की खीर, जो कि एक तरह के मिलेट होते हैं और इसे आप व्रत में भी खा सकते हो। सो अगर आपने अभी तक सामो राइस की खीर नहीं खाई है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही मजे के बनते हैं, प्लस इन्हें बनाना भी आसान होता है। तो खीर बनाने के लिए यहाँ बस मैंने 1.5 लीटर गर्म दूध में अराउंड आधा कप धुले हुए सामक के चावल डालकर दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। अब खीर बनते रहेगी, बस बीच में आपको हर थोड़ी देर में खीर को चलाते रहना है। और साथ ही यहाँ मैं बना रही हूँ छोले और मेथी की सब्जी। वैसे छोले की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, तो अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी दूसरी ओर मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल मेथी मटर मलाई की सब्जी, वो भी बिना मलाई के। सब्जी देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही मजेदार खाने में भी बनी थी। तो चलिए आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी इस सब्जी को एंजॉय कर सके। सो मेथी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून गर्म ऑयल में अराउंड 1 छोटी चम्मच जीरा का तड़का लगाया है। देन तड़के में अपने हिसाब से खड़े मसाले ऐड कर ले। वैसे यहाँ मैंने सिर्फ तेजपत्ता और दालचीनी ऐड की है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी खड़े मसाले ले सकते हो। देन जैसे ही जीरा लाल हो जाए, तड़के में हमें अराउंड 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालकर प्याज को मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और प्याज के लाल होते ही मैंने तड़के में अराउंड 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर उन्हें भी प्याज के साथ हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया। और अब तड़के में हम अपने मसाले ऐड करेंगे। सो मसालों में यहाँ मैंने अराउंड 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच गरम मसाला और अराउंड 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ ही मसाले ऐड करने के बाद मसालों में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर ले। ऐसा करने से मसाले बिना जले बहुत ही अच्छी तरह भून जाएंगे और आपके मसालों से बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी। सो पानी डालने के बाद मसालों को हमें धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनना है। और जैसे ही मसालों से तेल अलग हो जाए, मसाले में स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी ऐड कर मसाले को धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूने। देन मसाले में यहाँ मैंने 2 कप फ्रोजन मटर डाला है, आप चाहे तो ताजे मटर ले लो। सो मटर को मसालों में अच्छी तरह मिलाकर हमें अपनी सब्जी को ढककर 10 मिनट तक पकाना है। वैसे बीच में 2 से 3 बार सब्जी चलाते रहना, वरना मसाले जल जाएंगे। और जब आपको लगे कि मटर ऑलमोस्ट पक गए हैं, सब्जी में बारीक कटी हुई मेथी ऐड कर ले। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 3 कप बारीक कटा हुआ मेथी लिया है। अब मेथी को मसालों में अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। वैसे मेथी जल्दी पक जाएगी, तो जैसे ही मेथी पक जाए, सब्जी में आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालकर सब्जी को 4 से 5 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर पकने देना है। और जब तक हमारी सब्जी पक रही है, हम अपने खीर को चेक कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही खीर के बारे में बताया था कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस गर्म दूध में आपको सामक के चावल डालकर हर 2 से 3 मिनट में खीर को चलाते रहना है। जहां तक हो सके खीर को बर्तन के तले तक चलाएं, वरना तले में खीर जलने लगेगी। वैसे ये प्रोसेस आपको 30 से 40 मिनट तक करना है। और जैसे ही चावल अच्छी तरह फूल जाए और आपकी खीर थोड़ी गाढ़ी होने लगे, तो खीर में अपने स्वाद के हिसाब से चीनी, इलायची पाउडर और नट्स डाल ले। बस आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी सब्जी की ओर। सब्जी भी ऑलमोस्ट बन गई है। अब बस सब्जी में हमें 10 से 12 भीगे हुए काजू का पेस्ट बनाकर डालना है। तो जैसे ही सब्जी बन जाए, पीसे हुए काजू को सब्जी में ऐड कर सब्जी को 2 से 3 मिनट तक पकाएं। बस आपकी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी में ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड कर ले। सो अगर आपके पास मलाई ना हो या आप मेरी तरह सब्जी में मलाई डालना पसंद नहीं करते, तो इस तरह मेथी की सब्जी बनाकर देखना, आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। वैसे अगर आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। और बस अब लंच बनके तैयार है। आटा गूंथकर रख दिया है, रोटी में मेहमानों के आने के बाद बनाऊंगी ताकि मैं उन्हें गर्मा गर्म पराठे सर्व कर सकूं। साथ ही मेरे कपड़े भी ड्रायर में सूख गए थे, तो यहाँ मैं उन्हें फोल्ड कर क्लोजेट में लगा रही हूँ। देन थोड़ा किचन क्लीन कर लिविंग रूम और किचन की मॉपिंग कर लूँगी। वैसे जो भी फूड मैंने बनाया है उन्हें सर्विंग बॉल में निकालकर किचन आइलैंड पर रख दिया। और बाकी कुकिंग के समय जितने भी बर्तन निकले थे उन्हें डिशवॉशर में रख दिया है धुलने के लिए। सो दोपहर के 12:30 तक मेरा सारा काम हो गया। और अब आपसे मिलूंगी मैं अपने मेहमानों के आने के बाद। जय श्री कृष्ण। अभी आज हम आए अर्चना बहन के घर पे लंच करने के लिए। तो बढ़िया खाना है। खाना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। अभी खाकर देखेंगे कैसे। बहुत अच्छा लगा।
सो लंच में आज मैंने छोले और मेथी की सब्जी के साथ सामक की खीर, आलू और हरे मटर के पराठे बनाए थे। और आंटी ने हमारे लिए कापूरिया बनाकर लाया था, जो कि ज़्यादातर गुजरात में बनते हैं। सो अगर आप मेरे ब्लॉग पहले से देखते हो तो आप मेरी फ्रेंड राधिका से मिले होंगे। सो इनमें से एक आंटी राधिका के मॉम है और दूसरे राधिका के मदर इन लॉ। वैसे दोनों भी मॉम वर्किंग है, तो जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती है यहाँ अपने बच्चों से मिलने आते हैं। तो इस बार जब से यहाँ आए हैं हमें इन्होंने बहुत सारा गुजराती फूड बनाकर खिलाया। वैसे दोनों भी आंटी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो इस वीकेंड दोनों आंटी अपने घर चले जाएंगी, इसलिए उनके जाने से पहले मैंने उन्हें आज अपने घर लंच पर बुलाया, ताकि मैं भी उन्हें अपने हाथों से बनाकर कुछ खिला सकूं। और साथ में हमने आज बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। हाँ रख दो। सो आज का ये प्यारा सा व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। जल्दी ही आपसे एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखे, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखा आ गई ना बर्ड्स। बोलो हंग्री है बेटा, जब रख के आ जाओ ब्रेड। आ जा। They like it. They eat it too.